अगर आप नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो और आपका बजट 20 से 30 हज़ार रुपये का है, तो आज इस वीडियो में मैं दो ऐसे फोन की डील बताऊंगा जिसके बारे में डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ये दो फोन क्यों सिलेक्ट किए हैं और क्यों मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ, वो भी आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूंगा रियलमी X3 सुपर जूम के बारे में। ये मोबाइल एक्चुअली रियलमी का जो हम खरीदते हैं वो 20 हज़ार तक की रेंज में होते हैं और हमें मिड रेंजर प्रोसेसर के साथ मिल जाता है। लेकिन रियलमी ने ये फ़ोन थोड़ा स्पेशल बनाया था, एक फ्लैगशिप मोबाइल के तौर पे बनाया था और उसमें जो कैमरा था वो भी बेटर बनाने की कोशिश की थी। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें X3 सुपर जूम के नाम के हिसाब से पता चल जाएगा कि इसमें कैमरा स्पेशल दिया था। साथ में इसमें आपको स्नैपड्रैगन का पावरफुल चिपसेट 855 प्लस का सपोर्ट दिया है, 8 GB का रैम दिया है और आपको दो स्टोरेज ऑप्शन दिए जाते हैं, एक 128 GB है और दूसरा है 256 GB है। इसकी स्क्रीन LCD थी जो अच्छी क्वालिटी की LCD उसमें यूज़ की है। बाकी की उसमें जो अगर स्पेसिफिकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी थी, तो ये फ़ोन एक ओवरऑल अच्छा पैकेज है। दूसरा जो फोन मैं बात कर रहा हूँ वो है IQ003। अब नाम से शायद आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन ये वीवो की सब ब्रांड के तौर पे इंडिया में इसको लॉन्च किया है और ये फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है बहुत अच्छा है। इसके स्पेसिफिकेशन में आपको स्नैपड्रैगन का पावरफुल चिपसेट 865 दिया गया है, साथ में आपको 8 GB का रैम ऑप्शन है, 12 GB का ऑप्शन भी है और स्टोरेज में अगर आप देखने जाए तो 128 GB और 256 GB का ऑप्शन दिया गया है। अब ये दोनों ही फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छे हैं। IQ003 की जो स्क्रीन है वो बहुत अच्छी है, उसमें हाई क्वालिटी की सुपर एमोल स्क्रीन है और उसमें 409 पिक्सल पर इंच का सपोर्ट है, मतलब कि स्क्रीन काफ़ी वाइब्रेंट आपको लगेगी। बाकी उसकी जो ब्लूटूथ वर्जन वगैरह है वो भी अपडेटेड है। दोनों ही फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी लाजवाब है, दोनों ही फ़ोन फ्लैगशिप लेवल के बनाए गए हैं, प्रोसेसर, उनकी OS वगैरह, कैमरा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन को बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की गई थी। अब हुआ है कि ये दोनों ही फ़ोन जब लॉन्च हुए तो इन दोनों ही फ़ोन में जो स्पेसिफिकेशन थी वो हाई एंड थी, तो ऑब्वियस है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स और एडवर्टाइज मीडिया ने इन दोनों ही फ़ोन की कंपेरिजन OnePlus 8, OnePlus 7 और सैमसंग के S सीरीज़ के और जो मतलब जो भी कंपनियों के फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन हैं आईफोन वगैरह उनके साथ इसकी कंपैरिजन कर ली। अब कंपैरिजन करने के बाद उन लोगों की कंपैरिजन में ये फ़ोन थोड़े वीक साबित हो रहे थे और नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से इस फ़ोन को ज़्यादातर इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली, चाहे IQ003 हो या Realme X3 सुपर जूम, और ये दोनों ही फोन साइड कास्ट हो गए। अब हुआ है कि ये फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डे सेल आया तो उस सेल में ये दोनों ही फ़ोन पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट मतलब कैसा डिस्काउंट मिल रहा है कि X3 सुपर जूम है जिसमें 8 GB रैम है, 128 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, उसका कैमरा नो डाउट बहुत अच्छा है और साथ में आपको बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो मिल ही जाती है। वो फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पे अभी सब कार्ड वगैरह स्वाइप करने के बाद आपको 23,000 में पड़ रहा है और सामने IQ003 है वो आपको 28,200 आसपास में पड़ रहा है, लेकिन उसमें प्रोसेसर थोड़ा हायर है तो उसमें आपको 5,000 रुपीज़ भी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। दोनों ही फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है। अब बात ये है कि ये मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ कि दोनों ही फ़ोन जब लॉन्च हुए थे तो उसकी ऑब्वियस है कि कंपैरिजन जो हुई थी तो कंपैरिजन में उतने कैपेबल नहीं थे, लेकिन आज ये दोनों फ़ोन की जो प्राइस है वो 30,000 के अंदर है। अगर आप 30,000 के अंदर की रेंज में देखा और उसमें भी आप अगर 22 से 23 हज़ार से लेके 30,000 की रेंज में देखेंगे तो आपको सैमसंग का M51 या A सीरीज़ का फ़ोन मिलेगा या तो मच हाइप्ड OnePlus Nord का ऑप्शन आपको ज़्यादातर दिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली उन लोगों के मतलब ये जो फ़ोन है उनकी कंपेयर में ये दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं और उनका जो कैमरा है उनकी कंपेयर में इसके वैल्यू फॉर मनी है। नो डाउट 50,000 रुपये जितने इसके कैमरे की क्वालिटी नहीं है, लेकिन 30,000 की रेंज के अंदर जितने भी फ़ोन हैं उनमें से ये फ़ोन दोनों ही बहुत अच्छे हैं और साथ में आपको स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, दोनों ही फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाता है जो कंपनी के हिसाब से 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं। तो अगर आपका 30,000 तक का बजट है
तो आपको इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 30,000 की रेंज में जितने दूसरे फोन हैं उसमें या तो कोई फोन में आपको कैमरा अच्छा मिलेगा तो प्रोसेसर अच्छा नहीं मिलेगा, अगर प्रोसेसर अच्छा होगा तो स्क्रीन अच्छी नहीं मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। ये दोनों ही फोन ऑलराउंडर है, दोनों में सब कुछ बेटर है। और अगर आप कैमरे के लिए कंसिडर कर रहे हो तो Realme X3 लीजिए, और आप ओवरऑल हाई एंड प्रोसेसर स्क्रीन सब कुछ चाहिए आपको तो आप IQ003 ले सकते हैं। मैं श्योर हूँ कि आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोन लेने के बाद निराश नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों की प्राइस अच्छी है और फिलहाल Amazon के कंपेयर में इसके Flipkart पे प्राइस भी कम है। मैं दोनों ही लिंक नीचे डालूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा और आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।